ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्राजील की राजधानी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिसलिया में आयोजित ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के सदस्य देशों को भारत में निवेश करने का निमंत्रण भी दिया और साथ ही भारतीय वीजा की फ्री एंट्री के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। बिजनेस को प्राथमिकता देने के लिए मैं ब्राजील के राष्ट्रपति, इस फोरम के ऑर्गेनाइजर्स और सभी पार्टिसिपेंट्स को बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, विश्व की आर्थिक वृद्धि में ब्रिक्स देशों का हिस्सा 50% है। विश्व में मंदी के बावजूद ब्रिक्स देशों ने आर्थिक विकास को गति दी है, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और टेक्नोलॉजी तथा इनोवेशन में नई नई सफलताएं हासिल की हैं। अब ब्रिक्स की स्थापना के 10 साल बाद भविष्य में हमारे प्रयासों की दिशा पर विचार करने के लिए यह फोरम एक अच्छा मंच है। फ्रेंड्स, इंट्रा ब्रिक्स बिजनेस को आसान बनाने से परस्पर व्यापार और निवेश बढ़ेगा। हम 5 देशों के बीच टैक्स और कस्टम्स प्रक्रियाएं सरल होती जा रही हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर और बैंक के बीच सहयोग से बिजनेस एनवायरनमेंट आसान हो रहा है। ब्रिक्स बिजनेस फोरम से मेरा अनुरोध है कि वह इस प्रकार उत्पन्न अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए जरूरी बिजनेस पहलों का अध्ययन करे। इंट्रा ब्रिक्स व्यापार और निवेश के टारगेट्स और महत्वाकांक्षी होने चाहिए। हमारे बीच व्यापार की लागत को और कम करने के लिए आपके सुझाव बहुत उपयोगी होंगे। मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि अगले 10 वर्षों के लिए हमारे बीच बिजनेस में प्राथमिकता के क्षेत्रों की पहचान की जाए और उनके आधार पर इंट्रा ब्रिक सहयोग का ब्लूप्रिंट बनाया जाए। फ्रेंड्स, हमारा मार्केट साइज, विविधता और हमारी पूरकताएं एक दूसरे के लिए बहुत फायदेमंद है। उदाहरण के लिए, अगर एक ब्रिक्स देश में टेक्नोलॉजी है तो दूसरे में उससे संबंधित रॉ मटेरियल या तो मार्केट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, कृषि उत्पाद, फूड प्रोसेसिंग आदि में ऐसी संभावनाएं विशेष तौर पर है। मैं आग्रह करूंगा कि फोरम 5 देशों में इस प्रकार की पूरकताओं की मैपिंग करे। मैं ये सुझाव भी देना चाहूंगा कि अगले ब्रिक्स समिट तक ऐसे कम से कम 5 क्षेत्रों की पहचान की जाए जिनमें पूरकताओं के आधार पर हमारे बीच जॉइंट वेंचर्स बन सकते हैं। फ्रेंड, ब्रिक्स देश अपने लोगों के परिश्रम, प्रतिभा और क्रिएटिविटी के लिए सुप्रसिद्ध है। कल समिट के दौरान इनोवेशन ब्रिक्स नेटवर्क्स और ब्रिक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर नेटवर्क्स जैसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स पर विचार किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर से मेरा अनुरोध है कि वे ह्यूमन रिसोर्स पर केंद्रित इन प्रयासों से जुड़े। युवा उद्यमियों को इन इनिशिएटिव से जोड़ना भी बिजनेस और इनोवेशन को और ताकत देगा। फ्रेंड्स, हमारे देशों के बीच टूरिज्म, बिजनेस और रोजगार के लोगों के आवागमन से और आसान बनने की संभावनाएं हैं। भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री के निर्णय के लिए मैं ब्राजील के राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम 5 देशों को परस्पर सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर भी विचार करना चाहिए।
फ्रेंड्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस और ग्लोबल इनोवेशन जैसे इंडेक्स में भारत की निरंतर प्रगति से आप परिचित होंगे। समय की सीमा के कारण मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबल पॉलिसी और बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म्स के कारण दुनिया की सबसे ओपन और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इकोनॉमी है। 2024 तक हम भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही $1.5 ट्रिलियन निवेश की आवश्यकता है। भारत में असीम संभावना है, अनगिनत अवसर है। इनका लाभ उठाने के लिए मैं ब्रिक्स देशों के बिजनेस को आमंत्रित करता हूं कि वे भारत में अपनी मौजूदगी बनाएं और बढ़ाएं। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। पीएम मोदी ने अगले ब्रिक्स समिट पर जॉइंट वेंचर्स के लिए 5 क्षेत्रों की पहचान करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश अपने लोगों की प्रतिभा और क्रिएटिविटी के लिए सुप्रसिद्ध है। प्राइवेट सेक्टर ह्यूमन रिसोर्स पर केंद्रित प्रयासों से जुड़े पीएम मोदी ने कहा कि हम 5 देशों को सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट पर भी विचार करना चाहिए। ब्राजील में प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो अगले साल 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण भी दिया, जिसे ब्राजील के राष्ट्रपति ने सहर्ष स्वीकार किया। शिखर सम्मेलन के इतर बोल्सोनारो के साथ मुलाकात की। ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आतंकवाद निरोधक सहयोग के लिए तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा और दुनिया की 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।